महज 2% वोट और विधानसभा की 2 सीटें जीतने वाली कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अकेले लोकसभा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। बेंगलुरु में हुई एकता बैठक में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी दोनों शामिल हुए थे। माना जा रहा था कि यूपी में कांग्रेस के साथ इन दोनों पार्टियों का गठबंधन होगा, लेकिन प्रदेश कांग्रेस के नेता ऐसा नहीं चाहते हैं। कांग्रेस के स्थानीय नेता अकेले चुनाव लड़ने की वकालत करते दिख रहे हैं। पिछले एक पखवाड़े में स्थानीय कांग्रेस नेताओं की 2 बैठकें हो चुकी हैं। इसमें अकेले चुनाव लड़ने पर चर्चा हुई। समाजवादी पार्टी से गठबंधन को लेकर सीनियर नेताओं के बीच एकमति नहीं दिख रही है। हालांकि इस पूरे मामले में कोई भी नेता खुलकर कुछ भी कहने से बच रहा है। उनका कहना है कि हाईकमान आखिरी निर्णय लेगा। ऐसे में अखिलेश यादव के साथ 2024 के चुनाव में गठबंधन होगा या नहीं, ये फैसला अब राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। कांग्रेस के भीतर अखिलेश यादव के साथ गठबंधन को लेकर सर्वसम्मति नहीं दिख रही। दरअसल यूपी में लंबे समय के बाद कांग्रेस ने यूपी चुनाव 2022 में पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरी। इसने प्रदेश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भरोसा दिलाया है कि पार्टी भी भाजपा की तर्ज पर अकेले दम पर प्रदेश में उतर सकती है। ऐसे में एक बार फिर पार्टी किसी बड़े क्षेत्रीय दल के साथ कुछ सीटों पर उम्मीदवार उतारने के मूड में नहीं दिख रही। साथ ही पिछले दिनों अखिलेश यादव को लेकर मुस्लिम वोट बैंक के भीतर से नाराजगी के मामले सामने आए। इस प्रकार की स्थिति को देखते हुए पार्टी किसी प्रकार का जोखिम उठाने के मूड में नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश स्तर के नेताओं का दावा है कि पार्टी को लेकर एक अंडर करंट है। कर्नाटक चुनाव रिजल्ट के बाद स्थिति बदली है। भाजपा के खिलाफ जमीन पर असंतोष का भाव होने का दावा किया जा रहा है। कांग्रेस के प्रति लोगों की उम्मीद दिखती है। कांग्रेस मुस्लिम पिछड़ा से लेकर सवर्ण वोट बैंक में पार्टी के प्रति माहौल बनाने का दावा करती दिखती है। पार्टी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस के प्रति लोगों के झुकाव का कारण अन्य पार्टियों पर अविश्वास है। 80 के दशक के बाद से कांग्रेस यूपी की सत्ता से बाहर ही रही। ऐसे में पार्टी नेताओं का दावा है कि पार्टी के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ा है। पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 में 2 सीटों पर जीत दर्ज की। 2019 में कांग्रेस को महज 1 सीट पर जीत मिली। पार्टी के गढ़ अमेठी से राहुल गांधी चुनाव हार गए। केवल रायबरेली सीट पर पार्टी जीती 6.3% वोट शेयर और सोनिया गांधी की जीत के साथ इस चुनाव में पार्टी आगे बढ़ती दिखी। यूपी चुनाव 2022 में बड़े दल से गठबंधन नहीं होने के कारण पार्टी को काफी नुकसान झेलना पड़ा। कांग्रेस प्रदेश में 2.33 वोट शेयर के साथ 2 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुई। 2019 में भाजपा ने करीब 50% वोट शेयर के आंकड़े को छुआ। यूपी चुनाव में 403 में से 399 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस नेताओं का कहना है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में स्थिति अलग होती है, ये चुनाव में दिखेगा। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।